नमस्कार दोस्तों, ऑल इन चैनल 36 में फिर से स्वागत है आपका। वीडियो अगर पसंद आए तो एक वीडियो लाइक कर दें और प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन मैं इसी तरह के बनाता रहूँगा। और इस बात का खास ध्यान रहे कि मैं गलत वीडियो कभी नहीं बनाऊँगा, ना फेक वीडियो बनाऊँगा। जो भी बनाऊँगा बिल्कुल सही बनाऊँगा। चैनल मेरा चले या ना चले उससे कोई लेना देना नहीं है। गलत वीडियो मैं कभी नहीं बनाऊँगा, इस बात का आप पूरा ध्यान रखेंगे। और ये बात मेरे दोस्त लोग जानते हैं कि मैं गलत कार्य कभी नहीं करता, तो ध्यान से देखेंगे ये नुस्खा। इस भी ये नुस्खा मैं बता देता हूँ आइटम के बारे में। तो सबसे पहले ये देखें, ये अमृत फल कहा जाता है। ये देख रहे हैं, ये आंवला है, आप जानते हैं इसे आंवला है, तो इसे अमृत फल भी बोला जाता है। ये शरीर के बहुत लाभदायक चीज़ है, बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। इससे बहुत, जैसे बाल आपके गिरते हों, बाल टूटते हों, बाल झड़ते हों, तो इससे रोकथाम हो सकता है। और ये देखिए धनिया का पत्ता है, ये पानी में आप बढ़िया से धो लेंगे। देखिए ये पुदीना है, पुदीना बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, आप जानते हैं पुदीने की चटनी बनती है। तो आज मैं चटनी बनाने वाला हूँ। ये देखिए आप साफ पानी से सबको धो लेंगे, बढ़िया फ्रेश पानी से। ये धनिया, ये देखिए धनिया, और इसमें जो गले पत्ते हैं, ये पत्ते हैं, आप निकाल के इसे बाहर कर देंगे, डंटी तोड़ लेंगे इस तरह। अगर इसे फेंकना चाहते हैं तो फेंक सकते हैं, यदि रोपना चाहते हैं तो रोप सकते हैं इसको। ये जड़ी है इसका, आप जाके छत पे थोड़ा सा गमला में इसको डाल के रोप देंगे तो कुछ दिन बाद ये फिर से निकलने लगेगा। तो आपकी मर्जी है इसे आपको क्या करना है। अगर फिर से धनिया उगाना है तो इसको जाके आप रोप सकते हैं, मैंने इसको उगाया भी है। तो इस तरह आप, क्योंकि धनिया का अब सीजन आने वाला है, धनिया तो थोड़ा महंगा होने वाला है, ये बात का ध्यान रखेंगे। और मैं गलत वीडियो कभी नहीं बनाऊंगा, चाहे मेरा चैनल चले या ना चले उससे कोई लेना नहीं, मैं किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं करूंगा। ये देखिए वीडियो को पूरा ही देखें, वीडियो स्किप ना करके देखें, समझ में नहीं आएगा कैसे क्या करना है, इसलिए पूरी बात बताना ज़रूरी है। आधा अधूरी जानकारी जहर के समान होती है, तो वो मैं करना नहीं चाहता। मुझे और भी बहुत सारी चीज़ आती है, मैं पूजा पाठ में भी थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ, और कई लोगों ने इसका परिणाम देखा है, मेरे दोस्त लोग जानते हैं, तो मैं उनका नाम तो नहीं बताऊँगा। ये मुझे गेम का रिपेयर भी करने आता है बहुत अच्छे से। इस समय तो लॉकडाउन है तो सामान सब बंद पड़ा है, तो कभी फुर्सत मिली तो मैं इसके बारे में बताऊँगा और रिपेयर करना सिखाऊँगा। जैसे PS2, PS1, PS3, PS4, ये बिल्कुल इजी मैं बता के दिखा दूंगा। तो ये सबसे पहले आपने देखा, ये मिर्ची है, ये पुदीने का पत्ता है। अब इसे आपको चटनी बनाना है, चटनी ये देखिए मैं खुद ही पीस के बताऊंगा। ये देखिए आंवला को तोड़ लें, ये हर चीज़ में फ़ायदा करेगा। सबसे पहले बात है कि जिनको बवासीर है उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है, रामबाण इलाज है। दुनिया में इससे बढ़कर कोई इलाज नहीं है, क्योंकि गैस नहीं होगा, गैस नहीं होगा, कब्ज नहीं होगा तो बवासीर नहीं होगा, बवासीर नहीं होगा तो भकंदर नहीं होगा, अगर भकंदर हो जाएगा तो बहुत पछताना पड़ेगा। भकंदर, क्योंकि बवासीर के स्पेशलिस्ट हैं हम लोग जानते हैं इसके बारे में। अक्सर लोग क्या करते हैं ना कि जो लैटरिन करने जाते हैं तो हड़बड़ में अच्छे से मल को साफ नहीं करते हैं, कुछ मल वहाँ छोड़ देते हैं। ये बिया है, बिया को फेंकना नहीं है, इसे धूप में रख दें, कम से कम 1 महीना 1.5 महीना पूरी तरह से ये सूख जाए, इसको पाउडर बना के भी आप ले सकते हैं। ये बिया है, ये मैंने ताज़ा ही आज तोड़ के लाया है पेड़ से। ये देखिए अगर भकंदर हो जाएगा तो
उसका इलाज डॉक्टर लोग खाली पैसा ठगेंगे, उसमें आपको पूरी तरह से नहीं बताएंगे। और भकंदर का इलाज बहुत कम ही लोग करते हैं, ये मैं जानता हूँ, पूरी मैंने भी सर्च किया है, बहुत जगह गया है, घुमा है, मिला है लोगों से, फीस दे दे के बस इस जानकारियाँ ली हैं, उनको ये नहीं बताया कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। ये देखिए पूरी बात बताऊंगा मैं, ये करने से आपका बवासीर झड़ से समाप्त हो जाएगा। बवासीर का मेन मुखिया है कब्ज, ये बोला जाए कि मेन प्रधानमंत्री है कब्ज। कब्ज अगर नहीं होगा तो बवासीर नहीं होगा, नहीं होगा तो भकंदर नहीं होगा, भकंदर हो जाएगा तो फिर इसका लाइलाज है। जल्दी इलाज ढूंढना मुश्किल है, बहुत पैसा खर्चा करने के बाद भी आपको मुश्किल है, हर आदमी इसका इलाज नहीं जानता भकंदर का, बवासीर। इसलिए सबसे पहला काम है कि कब्ज आप होने नहीं दें। तो ये चटनी बनाना है, आप इसे पीस लेंगे ऐसे, इसके भी बता रहे हैं, पूरी बात बताना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी जहर के समान होती है, वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, और इसमें काला नमक डालेंगे, और इसको खाने की प्रतिक्रिया कैसे है, तो आप नाश्ता के बाद लें, खाने के बाद लें, रात में खाने के बाद ले सकते हैं, या पहले ले सकते हैं। जब ये लें तो आपको अंतराल आधा घंटा एक घंटा कुछ नहीं खाना है, पानी तक नहीं पीना, क्योंकि इसको पेट में कुछ देर रखना है। समझ गए, मैं पूरी बात जो बता रहा हूँ आप समझें, और इसको आपको रखना है, ध्यान से देखें, ये इसको चटनी बनाना है मेहन करके। आंवला को कूट दे बढ़िया से, सारी समस्याओं का समाधान ही है ये आंवला। पुदीना, धनिया का पत्ता, इसमें काला नमक ही मिला है, स्वाद अनुसार आप मिर्चा ले लें, मिर्चा जरूर डालें, एक मिर्चा या आधा मिर्चा। जी बिल्कुल रामबाण इलाज है, इससे लोग तरह तरह के वीडियो बना बना के लोगों को बगला रहे हैं। ये सभी लोग जानते हैं आंवला कितने फायदेमंद है, और पेट के लिए खास करके, कि पेट को ठंडा भी करता है। तो इस तरह आपको पीसना है, पीस कर पूरी चटनी बनाना है। मिर्ची जरूर रखें इसमें, जब भी लें इसे, खाने के बाद लें या खाने के पहले भी ले सकते हैं। जिनको कब्ज है, कब्ज में क्या करना है कि पित्त रोग उन पे हावी है, तो आपको क्या करना है, एक काम जरूर करना है, सुबह 4 से 5 बजे के बीच में आपको उठ जाना है, और उठ के आपको 10 मिनट तेज कदमों से चलना है, जहाँ भी आप चलें कम से कम 1 मीटर आपको तेज कदमों से चलना है, धीरे धीरे स्लोली नहीं चलना है, तेज कदमों से चलना है, और 4 से 5 बजे के ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है आपको। जिनको कब्ज बहुत ज़्यादा परेशान है, और कब्ज के लिए मैं एक और बात बता दूंगा, बिल्कुल फैक्ट बताऊंगा, आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, उसमें कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है, बस एक आसान सा तरीका हो, उपाय तो मैं बहुत बता दूंगा, लेकिन आपको जो सटीक लगे वो कर लीजिएगा। इसको आप कुछ दिन करेंगे तो आपके बाल टूटने बंद हो जाएंगे, आपके चेहरे के निखार हो वो बिल्कुल ऐसे आ जाएंगे कि आप यकीन नहीं पड़े, तो ये कुछ दिन आपको करना पड़ेगा, ये आपको कुछ दिन करना पड़ेगा इस्तेमाल। तो आप ध्यान से इसको देखें, वीडियो को स्किप ना करें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें ज़रूर, लोगों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक आप लाइक करते हैं तो हमें हौसला मिलता है कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगा, और यकीन है कि मैं अच्छा ही वीडियो बनाऊंगा, जो भी बनाऊंगा यकीन के साथ अच्छा बनाऊंगा, और कभी किसी के साथ गलत नहीं करूंगा, चाहे मेरा चैनल चले या ना चले, इससे कुछ नहीं मतलब है, अगर मैं अच्छा करूंगा तो चैनल चलेगा ही चलेगा, पर गलत वीडियो कभी नहीं, फेक वीडियो कभी नहीं बनाऊंगा, ये मैंने कमिटमेंट कर लिया है। जो लोग इसका सेवन करते हैं वो लोग जानते हैं कि पुदीना कितने फ़ायदेमंद है, धनिया के पत्ता कितने फ़ायदेमंद है, और आंवला तो खैर उसके बारे में बोलना ही नहीं है, वो तो अमृत फल कहा गया है।
इस तरह चटनी पीस लेंगे। ये और इसमें काला नमक ही मिलाएंगे। क्वांटिटी आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जब भी करें इसको ताज़ा ही लें, ताज़ा बनाकर ताज़ा ही लें, बासी ना रखें। ये काला नमक है थोड़ा सा पुड़िया में, तो अपने स्वाद अनुसार इसको मिला दें, बाद में भी मिला सकते हैं। ये बिल्कुल फ़ायदा ही करेगा, नुकसान करने वाला कोई चीज़ ही नहीं। मेरे काबिल दोस्त कल रात को मेरे पे मैसेज किए थे कि सर आप बवासीर का आयुर्वेदिक दवाई मेडिसिन बता दें, तो मेडिसिन मैं बता दूंगा, लेकिन बवासीर का पूरा डिटेल्स आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो मेडिसिन मैं इंग्लिश दवा भी बता सकता हूँ, आयुर्वेदिक दवा भी बता सकता हूँ, मुझे इन सब बातों का ज्ञान है और जो भी बताऊँगा परफेक्ट बताऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचते हुए ये भी ख्याल रखना है। धन्यवाद।